अल्लाह वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक डिबेट्स की थोड़ी बात हो रही थी हमारे साथ जो मेहमान है सोनू रहमान मैं आप सबको ये बताता चला जाऊँ कि सोनू रहमान को एक ट्रॉफी डेडिकेट कर दी गई है बाय डिबेटिंग सोसाइटी पाकिस्तान जो यंगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है डिबेट्स की नेशनल अंडर सेवनटीन ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग कॉम्पिटिशन उसको सोनू रहमान कप कहा जाता है ये छोटी सी डोनेशन है और बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सोनू रहमान के लिए नाहिद कहती है सोनू रहमान को जागो दुनिया प्रोग्राम में देख अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> इनाम कहती है सोनू खाला हमारे मुल्क का कीमती सरमा है बेशक शुक्रिया पहचानने के लिए और ये सरमाया अभी से सब शेयर करना शुरू कर दें अः जवाब कहते हैं सोनू रहमान तालीम के हवाले से बहुत मुफीद बातें कर रही हैं लिहाजा हम सबको सुनना चाहिए समरीन कहती है फारूक आबाद से पाकिस्तान में तमाम टीचर को एडवांस टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए ये भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इस बात पर दो सवाल आ रहे हैं सोनू साहिबा पाकिस्तान में तालीमी मैार नाज़ क्यों है फारूक कहते हैं हैदराबाद से और आखिरी सवाल यहाँ आ रहा है शकीला कहनी कराची से सोनू खाला एक मुल्क में रहते हुए गरीब और अमीर की तालीम में इतना तजाद क्यों है ट्वेंटी टू ईयर्स बाईस साल आपके एजुकेशन में रहा है ये क्यों है सोन रहमान के हम की गरीब और अमीर की तालीम इतना फ़र्क क्योंकि हुकूमत इसकी तरफ तोज्जो ही नहीं दे रही जो भी तरक्की जिस वर्ल्ड मुल्क ने तरक्की की है मुझे याद है मेरे वालद गए थे जापान गए थे तो जापान इन द ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटीज़ में स्टार्टेड कमिंग mm -hmm. बनने लगा इंडस्ट्रियल नेशन एंड ऑल तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई किस तरह आपने ये अचीव कर लिया कि योर uh, बड़े बड़े यूरोपियन वतनों mm -hmm. और वेस्टर्न के हम उनके साथ आपका कंपेरिजन mm -hmm. uh, हो सकता है आपका उन्होंने कहा तालीम सीधा सीधा चाइना तालीम। में देखे रशिया में देखे, का मैं पढ़ रहा हाँ, था कि हाँ। में जब ईरान इराक जंग हो रही थी हाँ, सात आठ साल की तालीम हाँ। को दिया गया था। और उनकी वजह ये थी जो जापनीज बिजनेसमैन भी कहते हैं कि अगर हम इन शह इस जंग से जब निकल आए तो अगली पौध तो हमारी तैयार हो मुस्तबिल तो तैयार हो तो यानी कि हमारी तवज्जो تعلیم की तरफ इतनी नहीं आई है नहीं, ना इट्स ट्रेनिंग एक और इसका मेरेन ख्याल में ये है बिकॉज़ ऑफ द फ्यूडल एटीट्यूड व्हिच डज नॉट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एजुकेशन इट इज यानी क्योंकि मुफाद में है कि تعلیم बढ़े ना हो उनके लिए नहीं है ना They, hmm. dekhe, they don't want education but the bourgeois the capitalist yes. hmm. which we are now beginning to have bahamari bhatamaneithi or bokka bhoj about this middle yes. class which is really the class that does

मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र खैरियत से आप हमारी नाजरीन के साथ कुछ शेयर करें सोनू रहमान के बारे में ये आपने एक बहुत ही आ, आ, मुश्किल और गहरा सवाल पूछा है कि आंटी सोनू को कैसे आ, डिस्क्राइब करें सबके सामने आई डोंट थिंक आई हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब आंटी सोनू आंटी सोनू और जहाँ तक उनका है और जहाँ तक एजुकेशन का है वो साथ साथ चलते हैं <laughs> मैंने <laughs> दस साल आरती सोनू के साथ काम किया है एंड आई फील दैट जो थोड़ा बहुत सीखा है कंसर्न आंटी सोनू और लतास साथ, साथ चलते हैं एंड hmm. hmm. right uh, right. क्या कहते जब भी हमारा कुछ होता है लतास में चाहे वो एजुकेशन के हवाले में हो ऐसे हो या कोई सोशल वर्क के हवाले hmm. से हो फर्स्ट थिंग आई डू पिक अप द फोन एंड वी कॉल अप आंटी सोनू और जिस किस्म की सपोर्ट मिलती है और जिस किस्म की उनकी ड्राइविंग स्पिरिट और एनर्जी है आई फील हैव नो वर्ट टू डिस्क्राइब आंटी For फॉर she इज my आइडल एंड आई feel that यू you नो know, अगर आधा भी इंसान बड़े हो के आंकी सोनू की तरह हो जाए उससे ज्यादा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी लकास का का नाम नाम आया किसी education institutions के में, तो सोनू रहमान हमेशा हमेशा हुआ है है। और हमेशा लोगों ने उनको देखा uh, फिर मुझे ये बताएगा। हुँ. हमारा एक सवाल जैसे कॉलर का भी आया है और एसएमएस का भी था हुँ. कि एजुकेशन में एक मेजर डिवाइड है हमारा लोकल सिलेबस कभी बेहतर नहीं हुआ जिसकी वजह से हम अभी तक ब्रिटिश एकेडमिक सिस्टम के पीछे ये। भी भागे हैं, हाँ। और ये अपर क्लास खास तौर पर बहुत भागे मिडिल इनकम भी भागी है तो क्यों नहीं हम अपना कर पा रहे लोकल सिस्टम को

तो अब ये हो गया है कि the upper level is being able to pay, afford it can pay for it तो हम वो हो रहा है एंड वी एंड बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन सिलेबस वी हैव इन डेवलप्ड आवर ओन एग्जामिनेशन तो हम ये इनकी तरफ भागे जा रहे हैं और करोड़ों पैसे उनको देने पड़ रहे हैं लाते हैं उनसे खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा मजबूरी है कि हमने अपना नहीं बनाया इंडिया को देखो उन्होंने कब से अपना Bilkul. बना लिया और रिक्नाइज हो रहा है बाहर बिल्कुल बल्कि मुझे कल परसों कोई कह रहा था कि अब लोग उनके ग्रेजुएट्स के उनके स्कॉलर्स हु बीन टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उनकी कितनी हैं पांच सौ है कि कितने हैं उधर से उनको लोग उठा के ले जा रहे हैं राधर देन गोइंग टू हार्वर्ड एंड स्टैंड एंड ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज वहां से इनके लोगों को ले जा रहे हैं इंडिया hmm. के ढूंढ ढूंढ के ले जा रहे हैं इस हद तक वो पहुंच गए बिल्कुल आपके एक बहुत ही चहीते स्टूडेंट

Uh, who would be willing to go out and help them over mm -hmm. there. how many young have really given up pocket money late and they spend on their uh, snacks and things over 100 rupees a day is no problem Aram for say. them. are they sacrificing any of that? there isn't much of that spirit. this is an appeal. जनाब इतने इंस्पिरेशनल टीचर की तरह से आप सब नौजवानों को अपील और मैं भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि आप सब जिन्होंने इतना काम किया सलाम है आपको और जो थोड़े से एहसास में कमी शायद रखते हों टेक इंस्पिरेशन हमने वो बनना है जो हम बनना चाहते थे आज कैद आज महमदिनाह की बात भी हुई है और जो पाकिस्तान का नजरिया उसकी हद तक भी हम देख रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है और जागो जागो दुनिया कल की दुनिया जागो hmm. हमारे जो संडे के प्रोग्राम्स मेरे साथ होंगे वो भी इसके मामले ही होंगे कि हमारे यूथ के ऊपर हम टारगेट करेंगे और सही स्टीयरिंग पे लेके जाएंगे आपका बहुत 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 शुक्रिया सोनू सोलह कि आप जो भी काम कर रही हैं वाकई एक इंस्पिरेशन है और इस तरह के उस्तादों की हमें सबको जरूरत है और दिस इन इंस्पिरेशन फॉर ऑल टीचर्स आल्सो जो भी उस्ताद हैं वो भी देखें कि हमने किस तरह स्टूडेंट के साथ रिलेशन करना है कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी मेरी आखिरी होगी फॉर दिस प्रोग्राम हम बजट के ऊपर गुफ्तु करेंगे जिसके बाद से जैसे मैंने आपसे वादा किया ना दिया बी बैक ये और फिर हम आप और मैं देखेंगे एक दूसरे को संडे को तब तक के लिए खुदा खुदाफिज